भाई अभी जो बाइक देख रहे हो ना, ये है KTM RC 125 और ये इसका नया कलर है जो कि आप देख सकते हो। भाई यहाँ पे जो ना आपको ब्लैक एंड ऑरेंज का पूरा कम्बिनेशन देखने मिलेगा। तो 2024 में भाई आपको इस बाइक में क्या क्या मिल जाता है और कितनी पावर, क्या ऑन रोड प्राइस, वो सारी चीज़ें जो ना आज की स्टूडियो में बताऊँगा। फिलहाल जो ना आपको बता दूँ सबसे पहले इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये जो बाइक है ना भाई, ये उस प्राइस में आती है जिस प्राइस में बजाज 400cc बाइक आपको दे रहा है। मतलब ये 125cc बाइक जो ना ऑन रोड 211,000 मिल रही है, जबकि बजाज NS 400 जो है भाई आपको 208,000 से 210,000 के बीच मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ना एक शोरूम में भी 6,000 रुपये सस्ती है। ये 191,000 एक शोरूम है और NS 400 जो है भाई अपनी 185,000 एक शोरूम है। तो आप लोग खुद देखो कि यार 6,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इस 125cc के लिए। अब बताता हूँ आप क्यों पे कर रहे हो। सबसे पहले भाई ये वेव की देखो कितने प्रीमियम की है, जो कि आपको NS में शायद ना देखने को मिले। मिल भी जाएगी वेव की, बट इतने प्रीमियम क्वालिटी में नहीं देखने मिलेगी। सबसे पहले जो है इग्निशन में ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद भाई यहाँ पे आप लोग जितने भी पैनल्स वगैरह DRLs वगैरह देख रहे हो ना, ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प आपको मिल जाएगा, बड़ी सी जो है विंडशील्ड आपको मिल जाएगी और ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है। बट उसके अंदर जो है ना आपको LED में सेटअप मिलेगा पूरा। मतलब वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि पूरी कॉस्ट कटिंग कर रखी है और यहाँ पे सारे प्रीमियम पार्ट है। चलो ये प्रीमियम है, बट भाई वो भी जो है कम नहीं है, उसमें भी आपको प्रोजेक्टर वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पे KTM RC 125 में ना आपको यहाँ पे फुल हेलोजन हेडलैम्प देखने मिलेगा, जिसको ऑन करके बता देता हूँ कि भाई ऑन करने पे कैसे लगता है। तो कुछ इस तरीके से लगेगा ये। बाकी साइड की जो DRL है ना, ये मस्त लगती है। और जो इंडिकेटर है ना वो देखो, ये जो इंडिकेटर है भाई, इनकी ये समझ लो कि इस कीमत में ना आपके 4 जोड़ी आ जाएंगे, वो जो नॉर्मल NS 400 में लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रीमियम पार्ट्स हैं ना, इनकी वजह से इसकी कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद टायर्स देखो, ये 125cc में वो टायर्स दे रहे हैं जो वो 400cc में दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग देखोगे बाइब्री कंपनी की जो है ना, यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स हैं और इनकी जो क्वालिटी है ना, मैं बोल सकता हूँ भाई NS 400 जो दिए हैं ना इन्होंने, उससे भी बेटर कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा। उसमें जो ना ग्रेमिका के जो इन्होंने ब्रेक कैलिपर्स दिए हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ें ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई KTM के जो फैंस हैं ना, उनको भी तो पता चले कि आपकी जो कंपनी है वो भाई क्यों इतने पैसे वसूल रही है। क्योंकि जो प्रीमियम पार्ट्स है ना, उन्हीं की कॉस्ट आती है सारी। यदि ये सारी चीज़ें NS 400 लगा दें तो भाई वो 3-4 लाख तक जाएगी, तो वो वाला सीन है। उसके बाद जो है WP Apex के जो है सस्पेंशन है, यही आपको 390 मिलेंगे, यही जो है भाई इसमें। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये लोअर CC तो इसके अंदर कॉस्ट कटिंग कर देंगे, नहीं, यहाँ पे जो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। चाहते ना तो भाई इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि दे सकते थे, उससे कॉस्ट कहीं ना कहीं कट करके ये इस बाइक को भाई वही 1.5 लाख के आसपास लॉन्च कर देते। बट जो ना ये पार्ट्स की वजह से ही लाइक खेल जाते हैं। मतलब KTM जो ना कभी अलाउ ही नहीं करता कि भाई तुम इसके अंदर सस्ते पार्ट लगाओ, या फिर कॉस्ट को लेके जो है कहीं ना कहीं तुम पार्ट्स को ऊपर नीचे करो, तो वो वाली चीज़ है। उसके बाद भाई साइड में यदि मैं आऊँ ना, तो साइड से आप लोग देखो इस बाइक को कुछ इस तरीके से लग रही है देखने में। जो है कलर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फेयरिंग वगैरह जो है वही 390 वाली है, कोई खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ 125 की जो है स्टिकरिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद में जो है यहाँ इंजन के बारे में बात करूँ, तो ये भाई ये जो इंजन है ना 125cc का ही है, लेकिन ये दिखेगा ऐसा कि जैसे भाई कोई 200cc इंजन हो। मतलब जो है देखने में काफ़ी प्रीमियम इंजन है KTM रेसिंग की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3D बेजिंग यहाँ पे है। ओवरऑल जो इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं और वो सब, वो जो है कॉस्टली पड़ते हैं कंपेयरिंग टू बजाज। तो यहाँ पे जो ना इंजन में इनका कहीं ना कहीं और ज़्यादा रिलायबल और जो है स्मूथ रहता है कंपेयरिंग टू बजाज। उसके बाद ये जो इंजन है ये लगभग 14.5 PS की पावर एंड जो 12 Nm का टॉर्क आपको दे देता है। उसके बाद जब बात करते हैं ना गियर बॉक्स की, तो भाई यहाँ पे मोस्टली 125cc बाइक्स में ना अपने को 5 गियर मिलते हैं। चलो इसको भी छोड़ो भाई, NS 160 है उसके अंदर भी 5 गियर है, N 160 है उसके अंदर भी 5 गियर है, और तो और भाई N 250 जो है ना उसके अंदर भी 5 गियर है, क्योंकि वो जो ना पूरा कॉस्ट कटिंग वाला जो ना खेल चलता है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हो तो भाई इस 125cc इंजन में आपको 6 गियर मिलते हैं। इनको पता था कि 5 गियर से भी इजीली काम चल जाता है, बट नहीं भाई, यहाँ पे जो है ना रिलायबिलिटी जो है ना और ज़्यादा बढ़िया देने के लिए, या फिर स्मूदनेस, या फिर जो रिफाइनमेंट है वो आपको फील हो, हाई स्पीड पे जो वाइब्रेशन ना फील हो, उस वजह से आपको यहाँ पे 6 गियर मिलते हैं इस इंजन में। उसी के साथ 35 के आसपास जो है माइलेज आपको दे देता है इंजन। चेसी वगैरह जो है पूरी यहाँ पे विजिबल आपको देखने मिलेगी, पूरी ब्लैक कलर में। उसके बाद ये जो है ना यहाँ पे स्टिकर्स पूरे RC में यहाँ पे जो आपको देखने मिलेंगे, RC यहाँ पे पूरा लाइक जो है ग्राफिक्स में। उसके बाद यहाँ 125 वगैरह 13.7 लीटर के आसपास जो है इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। KTM के यहाँ पे स्टिकर वगैरह है। यहाँ पे जो है ना ड्यूअल फिनिशिंग में आपको देखने मिलेगा, मतलब यहाँ पे मेटल है, ये जो प्लास्टिक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना कॉस्ट बढ़ा देती है प्रोडक्ट की। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो सीट वगैरह, स्प्लिट सीट यहाँ पे है, इसकी भी जो कुशनिंग वगैरह ना वो काफ़ी बढ़िया दी गई है। उसके बाद पीछे की साइड में आऊँगा ना, तो ये जो ब्रेक कैलिपर्स है, या अगेन लाइक जो है ब्रेक कैलिपर इसमें बाइब्री के ही हैं, बट ये यहाँ पे देने की जरूरत थी नहीं। 125cc को भाई कौन इतनी स्पीड में चलाता है, या तो लाइक जो है इसका टॉप एंड वगैरह भी इतना ज़्यादा है नहीं जिसकी वजह से इन्होंने दिए।
बट वही है, सेफ्टी को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं, उस वजह से इसमें जो आपको बाइब्री के जो है ब्रेक हेल्पर्स पीछे देखने मिलेंगे और जो डिस्क ब्रेक है ना वो इतना बड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से KTM कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाती है और फिर हम बोलते हैं भाई ये तो इतनी महंगी बाइक्स है। उसके बाद पीछे टायर की अब आप लोग देख लो, नॉर्मली 140 सेक्शन मिलता है ना आपको 200 cc 400 cc तक भी, क्योंकि NS 400 में भी आपको 140 सेक्शन ही टायर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो ये MRF का जो है 150 सेक्शन टायर आपको देखने मिल रहा है। तो अब आप लोग बताओ भाई प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगी, पीछे टायर अगर आप लोग देख लो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुटरेस्ट वगैरह में रबर की फिनिशिंग है, चाहे आप आगे वाले में देख लो चाहे पीछे में, ग्रेवियल यहाँ पे आपको दिख रही है, LED पूरी टेल लाइट आपको पीछे मिलेगी, LED इंडिकेटर पीछे मिलेंगे, LED लाइट है भाई नंबर प्लेट के लिए। उसके बाद साइड में जो है पूरा साइड गार्ड वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अभी जो है ना मैं इसके मीटर को दिखाता हूँ, तो ये मीटर देख रहे हो कितना प्रीमियम और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एक टाइम था जब भाई यही मीटर अपने को ड्यूक 250 वगैरह में देखने मिलता था, आई थिंक आज भी वही है। तो कहीं पे भी ये नहीं है कि 125 cc होगी जिसके अंदर मीटर भाई बिल्कुल ही नॉर्मल डाल दिया। प्रायोरिटी जो ना ये अपने छोटे प्रोडक्ट को भी उतनी देते हैं, भाई बड़े प्रोडक्ट को भी उतनी देते, तो वो वाली चीज़ है। बटन वगैरह यहाँ पे देख लो, ये पासिंग लाइट वगैरह इसकी है, ये देखो हैलोजन में, हाई बीम लो बीम में, हाँ LED हो जाता तो ये था भाई, फिर ये पैकेज जो है ना वर्थ इट था। इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न, अब एग्जॉस्ट साउंड सुनना, इसके जो ना RPM देख के ये समझ में आता है कि भाई लो RPM पे जो ना हो सकता है आपको ज़्यादा पावर ना मिले, बट जब ये लगभग 4,000 से 5,000 RPM क्रॉस करेगी ना उसके बाद इसके अंदर पावर जो ना आपको फील होगी, पावर उसके बाद अच्छी है। तो यहाँ पे जैसे लाइक जो मैंने रेव किया तो 4,000 से 5,000 RPM तक जो है इतने ज़्यादा क्विक एक्सेलरेशन नहीं था, बट उसके बाद जो ना पावर निकल के आती है। क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, स्ट्रेट हैंडल बार ये भी दे सकते थे, बट भाई ये वही फेयरिंग बाइक है तो फेयरिंग में जो है क्लिप ऑन हैंडल बार ही ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं। उसके बाद इसके अंदर फीचर क्या है भाई, इसके अंदर सारे इंडिकेटर वगैरह पहले यहाँ देख लो, यहाँ टाइमिंग है, RPM मीटर है, फ्यूल मीटर है, टेम्परेचर मीटर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ वार्निंग्स वगैरह आपको देखने मिल जाएगी, यहाँ स्पीडोमीटर अपना है, गियर इंडिकेटर यहाँ पे है, यहाँ पे ऑडोमीटर वगैरह आ जाएगा और ये सारी चीज़ें जो है इस बटन से भी आप मैनेज कर सकते हो। ये देखो साइड स्टैंड वार्निंग यहाँ पे आ रही है, लो फ्यूल यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे फ्यूल रेंज आप देख सकते हो, ट्रिप टू और ट्रिप वन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। नीचे फ्यूल रेंज यहाँ पे दिखा नहीं रहे क्योंकि भाई फ्यूल इसके अंदर है ही नहीं। ABS वगैरह जो यहाँ पे देख रहे हो, रोड मोड यहाँ पे लगा हुआ है, साइड स्टैंड यहाँ पे है और उसके बाद ट्रिप वन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो 93 मिनट्स पहले जो है पूरा रीसेट हुआ था, मतलब 93 कुछ करके जो है एवरेज फ्यूल यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। फ्यूल रेंज यहाँ पे मिल रही है ट्रिप वन की जो है यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भाई इसके अंदर 93 मिनट जो दिखा रहा है ना वही है कि भाई जो जब से लाइक ट्रिप वन जो है रीसेट हुआ है ना उसके बाद इसको ऑन हुए जो है 93 मिनट हो गए हैं। मतलब जैसे अब मैंने ये 10 मिनट ऑन की, फिर 10 मिनट बाद फिर से किसी ने 10 मिनट ऑन की, तो ऐसे पूरा टाइम कैलकुलेट करके जो है ना वो 93 मिनट ऐसे दिखा रहा है। तो उसमें क्या है, जब आप ट्रिप ऑन को रीसेट करोगे और आप चलोगे तो आप जो है ना टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो, इसलिए जो है वो टाइम रिकॉर्डर इसके अंदर दिया गया है। तो ये थी भाई KTM RC 125 जो कि ऑन रोड गुड़गांव हरियाणा में 2,11,000 के आसपास पड़ रही है। तो आप लोग जो है ना खरीद सकते हो भाई MG रोड KTM से। वैसे MG रोड पर नहीं है अब इनका शोरूम, ये आपको जो है सेक्टर 14 में ही देखने मिल जाएगा, अपना जो डिंगरा किया वगैरह ना उसके जस्ट बगल में ही है। बाकी जो नंबर वगैरह भाई स्क्रीन पे दे दूंगा। तो अब आप लोग मेरे को बताओ भाई उसी रेट में आप NS 400 लोगे या फिर KTM की RC 125, कमेंट बॉक्स में भाई नीचे ज़रूर से बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।